जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सागरों के टेक में। तो दोस्तों देखिए, ITI वालों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है जो है आपका IRL की तरफ से। तो देखिए, IRL जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है ऑटोमिक एनर्जी का। तो कौन सी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या इसमें आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उन सबका देते हुए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो है आप लोग अंत तक बने रहना ताकि जो है कोई भी आपका डाउट इसके रिगार्डिंग ना रहे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है ये जो है आपका फुली परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनी। तो देखिए, जो ट्रेड्समैन ट्रेनी की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है जो आपकी रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है। देखिए, जो IRL के अलग अलग सेक्टर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, जितने भी यहाँ पे सेक्टर है उनका देखिए अलग अलग जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो वैकेंसी है उन्होंने निकाली गई है। तो उसको आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो इसका ओपनिंग डेट है आपका 30 तारीख से जो इसका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, और इसका क्लोजिंग डेट जो है आपका 15/3/2024 यानी 15 मार्च तक इसका फॉर्म फिलिंग का डेट आपका रहने वाला है। फिर कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ओडिशा में देखिए आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI फिटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 13 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर देखिए आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए ओडिशा में निकाली गई, टोटल 12 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है। तो इनका देखिए जो पोस्ट कोड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म फिल करते समय आपको ये रिक्वायर्ड होगा PC1 और PC2। इसमें देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो देखिए आपका 10th ITI प्लस आपका इसमें देखिए एक्सपीरियंस भी जो है आपको इसमें रिक्वायर्ड है, जो आपका मांगा गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। देखिए, जिस भी ट्रेड से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें देखिए आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें जो है रिक्वायर्ड है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपका देखिए 35 ईयर यहाँ पे रखा हुआ है। जो भी आपका कैटेगरी वाइज आपको जो है इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही देखिए दोस्तों, जो केरला के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें देखिए आपका फिटर से 15 है, तो इलेक्ट्रिशियन से 12, अटेंडेंट के लिए 1 है। फिर देखिए वैसे आपका तमिलनाडु में भी 14 है फिटर की है, तो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसी तरह भोपाल में भी आप लोग देख सकते हैं कि फिटर के लिए 2, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1, जो आपका अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट है उसका 2 वैकेंसी है। फिर वैसे आंध्र प्रदेश के लिए फिटर में 2, इलेक्ट्रिशियन से 1 और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, जिसमें देखिए आप लोगों को जो है 20,000 पर मंथ जो है सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड कम्प्लीट हो जाता है, तो आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड आपका जो है पे स्केल रहने वाला है 22,000 से लेके 88,000 तक जो आपका रहने वाला है। यानी इसका मतलब आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा इन हैंड, लगभग आप पकड़ के चलिए 35,000 प्लस जो है आपका इसमें ग्रॉस सैलरी इन हैंड बन जाएगा। और इसमें देखिए अगर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा हुआ है, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उसके जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको जो है रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। और इसका देखिए क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था। तो देखिए इसमें जो आपका ITI जो होगा, जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका आपका ITI चाहिए, और साथ ही इसमें देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपका रिलेवेंट ट्रेड में। और जो इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट होंगे उनको देखिए इसका वैलिड लाइसेंस भी आपका जो है होना चाहिए। इसमें देखिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम लो अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपका जो कि रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पे स्किल टेस्ट करा गया, जो आपका देखिए सेकंड लेवल टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए स्किल टेस्ट के साथ साथ आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट, उसके बाद उसमें क्वालिफाई करते तो आपका जो है स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो ऑफलाइन नहीं बल्कि आपका देखिए CBT बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। फिर देखिए इसका जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर है वो सेंटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मुंबई, भोपाल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, फिर देखिए कोची हो गया, चेन्नई हो गया, नागरकोइल हो गया, कटक और भुवनेश्वर, ये जो है आपका रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पे सेंटर रहने वाले हैं। साथ ही इसका देखिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 500 रुपया रहने वाला है, इंक्लूडिंग आपका GST। तो देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका जो डाउट रहता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह की वैकेंसी के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।